डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली मुद्दीन, आप सभी का लीग जीएस क्लास में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एएमयू क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट आएगा वो 100 मार्क्स के बजाय 97 मार्क्स पे होगा, क्योंकि तीन सवाल को डिलीट कर दिया गया है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सवाल को डिलीट कर दिया गया है और इसकी मार्किंग अब 97 मार्क्स पे होगी। आप सभी बहुत ही बेचैन और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक एएमयू अपना रिजल्ट क्यों नहीं डिस्प्ले कर रही है। जाहिर सी बात है, जो भी अपडेट्स मुझे मिलते हैं उसके बिना पे अब ये कहा जा सकता है कि रिजल्ट 2-3 रोज में आने की उम्मीद है। इसके मुतालिक कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड है कि वो अपना रिजल्ट कब डिस्प्ले करती है। मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। बहरहाल अब आप देखिए कि कौन कौन से सवाल को डिलीट किया गया है। आप इससे मिला लें कि आपने जो पहले जो इन सवालों पे क्या आपने मार्क्स को कैलकुलेट किया है, अब ये सवाल इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। एएमयू और जामिया से मुतालिक हर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए अली जीएस क्लासेस को और क्लिक करिए बेल आइकन को, ताकि आपके पास हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं कि किस किस सवाल को डिलीट किया गया है। ये देखिए, डिसीजन ऑफ द कमिटी टू वेरीफाई द आंसर की ऑफ एसएससी साइंस स्ट्रीम एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट 2019-20। द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू बी ओमिटेड। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर एंड सीरीज, क्वेश्चंस पेपर जो थे वो टू सीरीज में थे, सीरीज ए और सीरीज बी। सीरीज ए में 15वां सवाल जो कि जीके का था उसे डिलीट कर दिया गया, और 31 जो कि फिजिक्स का था और 84 जो कि केमिस्ट्री का था, इन सवाल को डिलीट कर दिया गया। उसी तरह से सीरीज बी में 65, 81 और 34 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया, जो ये सवाल जीके का था और ये था फिजिक्स का और ये था केमिस्ट्री का। तो अब ये तीन सवाल काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी 100 के बजाय 97 मार्क्स पे रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एसएससी साइंस स्ट्रीम डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट 2019-20 विल बी इवेल्युएटेड एज पर द आंसर की डिस्प्लेड ऑन 2 मई 2019 को, जो एएमयू ने 2 मई को जो अपना आंसर की डिस्प्ले किया है, बाकी का जो आंसर उसी के अकॉर्डिंग टू चेक किया जाएगा, उसी के अनुसार चेक किया जाएगा। तो आप उस आंसर की से अब ये तीन सवाल को हटाकर अपना आंसर कैलकुलेट कर लें कि आपका कितना आंसर सही है और कितना गलत है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।